चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सेना और सैनिकों की तस्वीरें इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है कि इन तस्वीरों का प्रचार के लिए इस्तेमाल चुनाव आचार संहिता के खिलाफ होगा। इससे पहले पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल एल रामदास ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार में सेना के राजनीतिकरण का मुद्दा उठाया था। पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल एल रामदास ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर चुनाव प्रचार में सैन्य बलों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई, जहां राजनीतिक दलों के पोस्टरों पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की तस्वीरें नजर आईं, वहीं नेता भी वर्दी में नजर आए। एडमिरल रामदास ने अपनी चिट्ठी में वायुसेना की पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। एडमिरल रामदास ने चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार में सैनिकों की तस्वीर के इस्तेमाल होने को रोकने की अपील भी की। इसके बाद चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखकर प्रचार में सैन्य बलों की तस्वीरें इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी, मगर ये रोक सिर्फ सैनिकों की तस्वीरों के इस्तेमाल पे है। राजनीतिक नेताओं के भाषणों में सैन्य बल के जिक्र पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। दो दिन पहले इवन हमारे एक फॉर्मर नेवल चीफ ने भी एक पत्र लिखा था, जो ऑलरेडी मीडिया के संज्ञान में है। वी गॉट इट एग्जामिन्ड लीगली इमीडिएटली, वी ऑलरेडी हैव अ प्रोविजन व्हिच वाज यस्टरडे नाइट, most of you should have got it, we have formally reiterated those instructions as a part of MCC to the general secretaries of all the political parties, national or state. That is a part of MCC that has been reiterated, and in that, in the covering letter itself, it has been mentioned that we will take as strict an action in this as we take for violation of any provision of MCC.